ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में दूरभाष पर शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद किया धनखड़ ने। धनखड़ ने कहा, बारिश से हुए नुकसान की करवाई जा रही है गिरदावरी। सदन न चलने देना विपक्ष की ओछी राजनीति। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला को SYL मामले पर धनखड़ की सलाह, यह राजनीतिक विषय नहीं है, समझना चाहिए। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ आज रोहतक में विकास सदन में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भाग ले रहे थे। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित परिवादों पर सीधे शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर बातचीत भी की और उनके समाधान पर विस्तृत रिपोर्ट भी ली। कृषि मंत्री ने कहा कि मासिक बैठक की शिकायतों का अधिकारी सकारात्मक रवैये के साथ निपटान सुनिश्चित कर रहे हैं। इनका लाभ नागरिकों को समय पर मिल रहा है, इसलिए अधिकारी और अधिक तत्परता के साथ सीधे रूप से आने वाली अन्य समस्याओं का भी निपटान सुनिश्चित करें। आज की मासिक बैठक में कुल 10 में से 6 परिवाद मौके पर ही निपटा दिए गए। कुछ स्थानों पर चाहे एक दिन पहले ही विभाग के लोग जाके आए हों ग्रीवेंस के कारण से, कुछ FIR वगैरह 2-3 दिन पहले ही की गई हों, लेकिन कोशिश ये है कि भाई चीज़ें कैसे समाधान की तरफ बढ़ें। ये अच्छी बात है, इससे लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल प्रशासन के प्रति बढ़ना चाहिए कि जो प्रशासन यहाँ काम करता है वो जो भी समस्याएं उनके सामने रखी जाती हैं उन समस्याओं के समाधान का प्रयास करता है, और जब समाधान करते हुए दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से आम जन का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। मैं पिछली 2 बार की ग्रीवेंस से देख रहा हूं कि ग्रीवेंस में किसी तरह की एरोगेंसी नहीं है, लोग बहुत सहज भाव से अपनी समस्याओं का समाधान की बात करते हैं और प्रशासन के दिए हुए उत्तरों से सेटिस्फाई होते हैं, और ये इस बात का परिचायक है कि भी उसकी ईमानदारी से जो है वो कोशिश की जा रही है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, फसल बीमा योजना के तहत किसानों की भरपाई मुआवजे से अधिक की गई है। अब तक 267 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा किसानों में वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बरसात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गिरदावरी व आकलन किया जा रहा है। यदि 10% भी इस बरसात का फसलों में नुकसान होगा तो उसका मुआवजा दिया जाएगा। 2 दिन बारिश हुई है, बारिश के समय ही सभी डिप्टी कमिश्नर को पहले ही दिन आदेश दे दिए गए कि भाई एक जिले में कितना नुकसान हुआ है उसका मोटा मोटा आकलन हमको बताइए, उस परसेंटेज के आधार पर ही कि कितनी मात्रा में कहाँ नुकसान हुआ है, क्योंकि जो कंपनसेशन है वो 1/3 नुकसान के बाद शुरू होता है, 12,000 रुपये प्रति एकड़ वाला है। इसलिए आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि बीमा कराएं। बीमे में अगर आपको 10% भी नुकसान है तो भी पैसा मिलता है, 15% नुकसान है तो भी पैसा मिलता है, इसलिए और उसमें पैसे की राशि भी ज़्यादा है। देखिए गिरदावरी के उसके जांच के अपने प्रकार हैं, उसकी चिंता मत आप करिए। नुकसान का आकलन करने का हमारे रेवेन्यू पटवारियों को सदा से उसका तजर्बा है और जैसा नुकसान है उसकी वो जानकारी देते हैं। SYL मामले को लेकर लगातार सक्रिय नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला को ओम प्रकाश धनखड़ ने सलाह दी कि यह राजनीतिक विषय नहीं है, इसे समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब सब चीजें हरियाणा के हक में है। इसी सरकार के समय में वो भी सरकार में थे 10 साल, हुड्डा साहब भी थे, प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई हुई। इसी सरकार के समय में ये फैसला आया कि ये हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए, और इसी सरकार के समय में माननीय गृह मंत्री माननीय राष्ट्रपति से अभय सिंह चौटाला भूपेंद्र हुड्डा साहब सबको साथ ले जाके किरण चौधरी मुलाकात कराई इसी सरकार ने, और यही सरकार इस काम में लगातार लगी हुई है कि भाई किसी एक एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट जो है तय करे कि जो SYL पंजाब में बनवाए। अब अभय सिंह चौटाला जी से निवेदन ये है कि ये अब पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये उनको समझना चाहिए अब ये निर्णय की स्थिति पर है, और इस पर अब पॉलिटिकल आंदोलन तब किए जाते हैं जब निर्णय पॉलिटिकल होने हों। अब इसमें कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होना, ये निर्णय न्यायालय ने देना है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो किसी एजेंसी के जुम्मे लगाए और हमारा काम शुरू हो। यहाँ इस समय पॉलिटिकल आंदोलन करने का मतलब है पंजाब में उसके विपरीत पॉलिटिकल आंदोलन कहीं ना कहीं इग्नाइट करना, ये स्टेट के हित में नहीं है। आज हम विनिंग पोजीशन में हैं, आज सारी चीज़ें हमारे हक में हैं, हम इस प्रतीक्षा में हैं कि जल्दी जल्दी सर्वोच्च न्यायालय कोई ड्यूटी लगा देवे कि भाई ये काम फलाना डिपार्टमेंट में करना है, तो उसको सिर चढ़ाए।